हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और आज हमारा मैथ्स में टॉपिक चलेगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके थे, आइए इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को इस क्लास में हम करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया हुआ है इस प्रकार से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर आकर, आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि पी क्यू क्या है आपका 24 सेंटीमीटर, पी आर आपको क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और ओ वृत्त का केंद्र है। तो ओ तो वृत्त का यहाँ क्या हो गया, केंद्र हो गया, और आपको पी क्यू क्या दिया हुआ है पी से लेकर क्यू तक। देखिए ये क्या हो गया आपका 24 सेंटीमीटर, और ये क्या हो गया आपका पी आर, पी से लेकर आर तक क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए क्यू आर वृत्त का व्यास है, अतः आर पी क्यू क्या है 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अब त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से हम देखते हैं क्या होता है, आर पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर। अब क्या आ गया 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर और आर क्यू का स्क्वायर, ये क्या आ गया आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49 क्या आ गया आपका 625। और आप इसका क्या करेंगे, इसको आप अंडर रूट करेंगे 625 को, तो 625 किसका अंडर रूट होता है 25, तो क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट करके 25 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस लेवरत की त्रिज्या क्या हो गई आर क्यू अपॉन 2, तो क्या हो गया 25/2 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। इतना आपको समझ में आया। अब 1/2 × π r² − 1/2 × P r × P q क्या आ गया 1/2 × π 24 5/2² − 1/2 × 7 × 24। इतना समझ में आया। अब देखिए हमने इसका मान रख लिया पाई का मान 22/7 यहाँ से, और r की वैल्यू आपको क्या दी गई थी 25/2, तो आ गया 25/2 × 25/2 − 7 × 12, क्योंकि था यहाँ से हमने इसको काट लिया तो 12 हो गया। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए 6875/28 − 84 क्या आ गया 6875 − 2352/28 क्या बन गया आपका 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया इस क्वेश्चन के बारे में, और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, ठीक है। आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यदि केंद्र ओ वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं। अब त्रिभुज ए ओ सी क्या हो गया आपका 40 डिग्री है। अब देखना है छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है आपको 7 सेंटीमीटर दी गई है, बड़े वृत्त की त्रिज्या आपको 14 सेंटीमीटर दी गई है। इतना आपको समझ में आया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, त्रिज्याखंड ओ ए एफ सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड ओ बी ई डी का क्षेत्रफल। इतना हमें समझ में आया इस क्वेश्चन के बारे में। अब देखिए 40 डिग्री अपॉन क्या दिया गया 360 डिग्री × π × 14 का स्क्वायर, यह आ गया माइनस 40 डिग्री अपॉन 360 डिग्री × π 7 स्क्वायर। 1/9 × 22/7 × ये क्या आ गया पाई का मान हमने यहाँ पर रख दिया आराम से, फिर क्या आया आपका 14 × 14, ये आ गया 1/9 × 27/7, ठीक है आ गया 7 × 7, ये क्या आ गया आपका 616/9 − 154/9 क्या है आपका 462/9 क्या आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपका क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन में हम देख लेते हैं क्या बनाया गया था, ओ ओ दिया गया है, ये आपको 40 डिग्री दिया गया है यहाँ से हमने क्वेश्चन में रखा है यहाँ पर, और नीचे क्या रखते हैं आप 360 डिग्री, ये आपने देखा होगा, और आपको क्या दिया गया है ए, और ये सी तक का एक आपको पूरा फॉर्मूला दिया गया है त्रिज्याखंड का, त्रिज्याखंड, और हमने हमने वृत्तखंड के बारे में अच्छे से पिछली कक्षा में पढ़ा था, इसके आधार पर हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यदि
ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, क्या है? वर्ग है, तथा ए पी डी और बी पी सी दो अर्धवृत्त हैं, क्या हैं? अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। इतना आपको समझ में आया? अब देखिए, वर्ग की भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर। कितनी है? 14 सेंटीमीटर है, आपको समझ में आया? अतः अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया आपका? 1/2 × πr², ये आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है। तो 1/2 × π का मान हमने अभी रखा है, क्या आ गया? आर क्या है आपको? 7 दी गई है, तो 7 का स्क्वायर, या और माइनस 1/2 π का मान रख लिया तो 7 × 7 आ गया। ये क्या आ गया आपका? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया? भुजा का स्क्वायर। क्या हो गया? भुजा का स्क्वायर। क्या हो गई आपकी? 14 का स्क्वायर। क्या आ गया? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका पता चल गया, आप क्या आ गया? 196 − 2 × 77। क्या आ गया? 196 − 154, क्या आ गया? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको दिया गया था, देखिए यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर ए बी, और ये दिया गया सी और एक डी। आपको इसकी माप दी गई थी यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, और एक बिंदु दिया गया है पी। तो यहाँ से हमने इसको बना लिया 14 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका 7 सेंटीमीटर, ये भी, तो ये भी आपके 14 सेंटीमीटर आ गए। इन दोनों को आपने अलग अलग कर लिया, और इस प्रकार से आपका छायांकित भाग, जो आपका छायांकित भाग है, ये इसका क्षेत्रफल निकल कर आ गया क्या? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। क्या गया है? एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। अब हम जानते हैं, देखिए यहां से दिख गया होगा आपको AO, यहां पर आपको 12 सेंटीमीटर दिया गया है AB, क्या दिया गया है? AB 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपको O से लेकर B तक OB क्या दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आया क्वेश्चन के बारे में? अब देखिए, ये 60 डिग्री का आपका क्या बना गया है, यहाँ पर दिया गया है, क्या है? 60 डिग्री का संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण हो जाता है 60 डिग्री। तो यहाँ भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी क्या हो गया आपका? 60 डिग्री का हो गया। अब त्रिज्यखंड OCDE का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो 360 आपको दिया गया अपॉन 360, और ये आ गया πr², ये फार्मूला लगा दिया हमने। थीटा अपॉन थीटा क्या वैल्यू है? 60 डिग्री, 1/6 आ गया इसका, π6² ये गया 1/6, 22/7 पाई का मान हमने यहाँ रख दिया, 6 × 6 आर ए को हमने खोल लिया, तो आपका आ गया 132/7 cm². अब संभाव त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करना है? 3/2 12² क्या आ गया? 36√3 cm². वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए πr² आ जाता है, और आपको पता है r की वैल्यू क्या है? 6 दी गई है, तो क्या हो गया? 22/7 × 6 × 6 क्या आ गया आपका? 792/7 cm². इतना आपको समझ में आया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको देखना है, तो क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OCDE का क्षेत्रफल। तो आपने देख लिया यहाँ पर क्या आ गया, 792/7 + 36√3 − 132/7 cm². इतना आपको समझ में आ गया क्वेश्चन के बारे में? और क्या आया यहाँ पर? 36√3 + 660/7 क्या आ गया? cm². इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया आपको 5। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा आकृति 12.23 में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको ए बी सी और डी दिया गया है, ये आपको क्या दिया गया? 1 सेंटीमीटर, क्या आ गया? 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, इस प्रकार दिए गए। और प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी हो जाती है आपकी? 1 सेंटीमीटर, इसमें दी गई है 1 सेंटीमीटर।
आपको छायांकित भाग का निकालना है, ठीक है, शेष बचे भाग का। तो ये बचा भाग जो ये हमने ये बना लिया, ये बन गया आपका, यहाँ बन गया और ये इस प्रकार यहाँ बन गया। और प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो गया, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 इंटू पाई, आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो 1/4, पाई का मान क्या था 22/7 इंटू 1 इंटू 1, क्या आ गया आपका 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर क्या हो गया 1 स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 1 इंटू 1 क्या आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर क्या हो गया, भुजा का स्क्वायर, तो क्या हो जाता है भुजा का स्क्वायर क्या हो गई, भुजा कितनी दी गई आपको 4 सेंटीमीटर। तो 4 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी आपको याद होना चाहिए। इसमें क्या करेंगे हम, वर्ग का क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस करेंगे चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो 16 - 22/7 आ गया आपका, -4 × 11/14 क्या आ गया आपका 16 में से आपने करा 22/7 -22/7, ये भी हमारा 22 ही हो गया, यहाँ को 7 कर दिया, इसका यहाँ पे 2 × 2 हो गए। तो क्या आ गया 112 - 112 - 44/7, तो क्या आ गया 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपको क्वेश्चन के बारे में समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या आपको दी गई है 32 सेंटीमीटर है, में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी छोड़ते हैं, एक त्रिभुज बनाया हुआ है जैसा आकृति 12.24 में आपको दिया गया है, उसी प्रकार एबीसी आपको बनाया गया है यहाँ पर। इस डिज़ाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो डिज़ाइन बनाया गया है, जो आपको डिज़ाइन दिख रहा है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है आपको, क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस प्रकार। अब वृत्त की त्रिज्या आपको दी गई है कितनी, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब त्रिभुज का केंद्रक तो है ओ आपका, और माध्यिका कितने अनुपात में, 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो ए ओ आपका क्या है, ओडी। अब यहाँ से देखिए ए ओ और ये ओडी आपको दिया गया है किस रेशो में, 2:1 में, 2:1 में। अब यहाँ पर आपको दिया गया है, अब आपको क्या करना है, ए ओ अपॉन ओडी आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब क्या आपको दिया गया है, ए ओ की वैल्यू दी है 32 और ओडी इज इक्वल टू 2/1, तो ओडी की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आ गई, 16। क्रॉस मल्टीप्लाई में हमने कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 इसके नीचे चला गया, तो 32/2 आ गया, तो क्या आ गया 16। तो OD की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 16 यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसलिए AD निकाल लेंगे हम, AD क्या हो गई, पूरी हो गई A से लेकर D तक, 32 + 16 कितने हो गए, 48 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज ABC में देखेंगे, AB का स्क्वायर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर ये क्या हो गया 48 स्क्वायर, और AB अपॉन 2 का होल स्क्वायर ये क्या हो गया 3AB² / 4, तो क्या हो गया 48 स्क्वायर। तो AB² = 48² × 4/3, तो क्या आ गया आपका 48 × 2/√3, तो क्या आ गया 96√3, तो क्या आ गया 32√3 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आया। अब संभावित त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल क्या हो गया, √3/4 √32 √3 का होल स्क्वायर क्या आ गया 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, तो क्या आ गया पाई आर की वैल्यू क्या है 32 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 22/7 × 32 × 32, तो क्या आ गया आपका 22528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संभाव त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो आपने वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या लेस कर दिया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यहाँ से लेस कर देंगे, तो इस प्रकार हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमने किस आज हमने क्या सीखा कि हम किस प्रकार से त्रिभुज के क्षेत्रफल को उनकी आकृतियों में लगाकर, जैसे हमारी एक आकृति दी गई है इस प्रकार से, और ये हमारा घिरा हुआ एरिया है, ये तो बचे हुए एरिया किसका, छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, छायांकित
ये हमारा भाग हो गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। इसमें हमने त्रिभुज के फॉर्मूले को लगाया और उससे हमने पुट ऑन किया कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को इसमें से लेस कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा इसमें बच कर आएगा। और हमने इसमें त्रिभुज के सारे फॉर्मूलों को पुट किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिज्याखंड वाले क्वेश्चन भी इसमें आराम से आपके आ जाते हैं। तो हम ऐसे त्रिज्याखंड वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि जिसमें केंद्र से लेकर इतने त्रिज्याखंड को और ये आपके त्रिज्याखंड के डिज़ाइन बने हुए हैं इस तरीके। तो बचा हुआ जो क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे, छायांकित क्षेत्र। तो उसका क्षेत्रफल भी हम इस क्वेश्चन में आराम से निकाल सकते हैं इस चैप्टर में। तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं इस प्रकार। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए थैंक यू।